गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, चैप्टर 10, मेजर ऑफ लेंथ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10E सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10E, क्वेश्चन नंबर 1। अ रोल कंटेन 86 मीटर 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रोप। इफ 37 मीटर 72 सेंटीमीटर ऑफ द रोप इज यूज, देन वॉट लेंथ ऑफ द रोप इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, एक रस्सी है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 86 मीटर 35 सेंटीमीटर, जिसमें से 37 मीटर 72 सेंटीमीटर यूज हो जाती है, तो अब उसके जो पीछे का हिस्सा है वो कितना बचा है। लेंथ ऑफ रोप लेंथ ऑफ रोप 86 मीटर 35 सेंटीमीटर, ये मीटर हो गया हमारा, सेंटीमीटर हो गया। यूज लेंथ, लेंथ कितनी यूज की गई है, 37 मीटर 72 सेंटीमीटर। अब उसके पीछे का हिस्सा बताना है, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। लेफ्ट लेंथ इज इक्वल टू, लेफ्ट लेंथ बता दी आपको, 5 माइनस 2 3, 13 माइनस 7 6, 16 माइनस 7 8, 7 माइनस 3 4, 48 देन 63। फाइनल आंसर लिखते हैं अपना, लेफ्ट लेंथ ऑफ द रोप कितना है हमारे पास, 48 मीटर देन 63 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 682 किलोमीटर एंड 800 मीटर। अब बस हैज कवर 391 किलोमीटर 280 मीटर डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर। एक टाउन्स है, ठीक है, दो टाउन्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 682 किलोमीटर एंड 800 मीटर, ठीक है, जिसमें से बस ने कितना कवर कर लिया है, 391 किलोमीटर एंड 282 मीटर। अब कितना कवर करना और का बाकी है, आंसर लिखते हैं इसका, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स सिक्स हंड्रेड एटी टू किलोमीटर देन 800 मीटर, यो हमारा किलोमीटर यो हमारा मीटर, ठीक है। कवर डिस्टेंस बाय बस थ्री नाइन्टी वन किलोमीटर देन 282 किलोमीटर, ठीक है, बस ने कवर करा और ये टोटल डिस्टेंस था हमारा। सबट्रैक्ट करेंगे इसको हम, लेफ्ट डिस्टेंस टेन माइनस टू एट, नाइन माइनस एट वन, सेवन माइनस टू फाइव, टू माइनस वन वन, एटीन माइनस नाइन नाइन, फाइव माइनस थ्री टू। लेफ्ट डिस्टेंस टू बी कवर टू हंड्रेड नाइन्टी वन किलोमीटर एंड फाइव हंड्रेड एटीन मीटर। आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
मोहनजोदड़ो 7 किलोमीटर 600 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 5 किलोमीटर 112 मीटर इन द इवनिंग, हाउ मच मोर डज ही जॉग इन द मॉर्निंग? मोहन सुबह 7 किलोमीटर 600 मीटर ठीक है जॉगिंग करने जाता है और इवनिंग में जाता है वो 5 किलोमीटर 212 मीटर ठीक है। तो वो कितनी ज़्यादा जॉगिंग मॉर्निंग में, मतलब वो पूछे कि हाउ मच मोर डज इज द जॉग इन द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में वो कितनी ज़्यादा जॉगिंग कर रहा है ठीक है। तो आंसर लिखेंगे हम मोहन इन द मॉर्निंग सेवन किलोमीटर एंड 600 मीटर। इन द इवनिंग फाइव एंड 212 सब्ट्रैक्ट करेंगे इन द मॉर्निंग 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 5 2। फाइनल आंसर मोहन लुक्स मोर इन द मॉर्निंग कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर देन 388 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ वायर इज 58 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ठीक है, एक वायर है जो 58 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है जिसमें से 36 मीटर वो यूज हो चुका है फेंसिंग करने के लिए, तो हाउ मच लेंथ ऑफ द वायर इज लेफ्ट, तो अब वो कितना बचा है बाकी का, फेंसिंग करने के बाद बाकी कितना बचा है वो बताना मेरे को। लेंथ ऑफ द वायर मीटर 36 सेंटीमीटर यूज लेंथ जो यूज हुआ है 36 मीटर सब्ट्रैक्ट करते हैं लेफ्ट लेंथ सिक्स 3 8 माइनस 6 2 5 माइनस 3 2। लेफ्ट लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 22 मीटर देन सॉरी यहाँ पे 20 आएगा एंड 20 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सरसाइज 10 का लास्ट क्वेश्चन है। अ ट्री इज 12 मीटर 25 सेंटीमीटर टॉल ठीक है, एक जो ट्री है वो 12 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबा है। द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाई स्ट्रॉन्ग वाइंड, द रिमेनिंग पार्ट इज 83 मीटर 87 सेंटीमीटर ठीक है। जो उसका अपर पार्ट है वो ठीक है तेज हवाओं के कारण स्ट्रॉन्ग तेज हवाओं के कारण क्या हुआ था वो ब्रेक हो चुका है टूट चुका है, जिसका अब जो बचा रिमेनिंग पार्ट है वो कितना आ रहा है 3 मीटर 87 सेंटीमीटर। तो आपको ये कह रहा है कि बता पूछ रहा है कि वॉट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, यानी जो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो कितना
लेंथ है उसकी, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्री मीटर एंड सेंटीमीटर, 12 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेफ्ट पार्ट थ्री मीटर देन 87 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ब्रोकन पार्ट 15 minus 7 8 11 minus 8 3 11 minus 3 8, तो फाइनल आंसर हमारा आया 10 लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8 meter 38 centimeter. दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10E कंप्लीट होती है।